सो हेलो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज हम अपना करने वाले हैं एक्वेरियम साफ। ये दूर से तो काफी साफ दिख रहा है लेकिन ये इसके पास में देखो, ये इसकी कांच में बहुत सारा ये पता नहीं क्या चिपक गया है, तो हम उसको साफ करेंगे पहले। और हमें ये मौसम खराब होने की वजह से ये ठंड ज्यादा हो गई, तो हम थोड़ा हीटर वीटर लगा लें ताकि हमारी मछलियों का एक्वेरियम थोड़ा गर्म रहे। तो गाइस हम सबसे पहले इससे निकाल लेते हैं पानी, तो इस पंप को थोड़ा दबाना पड़ता है तो इससे पानी निकलता है। मैं निकलने लगा है पानी और हमारी बर्ड्स फिर से चिल्लाने लगी है। तो सबसे पहले हम इसको एक बकेट में जितना पानी निकलेगा उतना निकालेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी फिश निकालेंगे दूसरी बकेट में। फिर इसको अच्छे से साफ करके देखिए, ये सब साफ करना है हमें। और इसका ये जो पंच है ये भी काफ़ी गंदा हो गया है, तो हम इसके लिए एक दूसरा पंच लेके आए हैं, वो ये है। हमारा एक बकेट ये पूरा भर चुका है, हम ये आला फेंक देंगे, फिर उसके बाद जो पानी भरेंगे तो हम इसको फिर से एक्वेरियम में डालेंगे साफ करने के बाद। हम अपनी जो फिश है इस छोटी बकेट में हम उसको पहले निकाल लेते, फिर उसके बाकी का पानी निकाल के साफ करेंगे। तो गाइस हमारा एक्वेरियम हो चुका है पूरा खाली। अब हम पहले इसको साफ कर लेंगे, फिर ये पानी जो है 50% हमने बचा लिया है। हमारे ये जो पंच था देखिए आप इसको, ये बिल्कुल खराब हो चुका है, यही हमारे पानी को फिल्टर करता है, तो हम इसको चेंज करेंगे। पहले देखिए कितना गंदा हो चुका है ये, इसको थोड़ा इससे साफ कर लेंगे, इसकी जो लेयर जम गई है वो ग्लास पे वो साफ हो जाएगी इससे। फिर हम इसके बाद कपड़े से करके इसको पानी से पोंछ देंगे। तो अब करने के बाद हम इससे थोड़ा साफ कर देते हैं उसको। तो गाइस अब हमारा हो चुका है एक्वेरियम बिल्कुल साफ, अब हम इसमें भरेंगे पानी। फिल्टर लगा देते हैं हम पहले, पानी भरने से पहले फिल्टर लगा देते हैं अपना। ये पुराना पानी जो है एक्वेरियम में पहले से था 50%, पहले हम इसको डालेंगे फिर इसके बाद नया पानी डालेंगे। देखिए गाइस पानी कितना साफ था, लेकिन वो एक्वेरियम के ऊपर वो जो लेयर जम गई थी उससे कितना गंदा पानी दिख रहा है। तो गाइस ये है नया पानी, बकेट और डालना पड़ेगा, बहुत कम है पानी। तो अब हम ये आर्टिफिशियल प्लांट इसके अंदर डाल के देखते हैं अंदर जाता है कि नहीं। तो गाइस उसके पॉट्स में हम ये थोड़े स्टोन्स रख देते क्योंकि ये थोड़ा हवा में जा रहा है क्योंकि प्लास्टिक का है ना वो। तो गाइस अब हम इस फिल्टर को इस पे लगाते हैं, ये करता है हमारे पानी को फिल्टर, और ये है पंप मशीन। तो ये यहाँ पे हुई है सेट, अब इस पाइप को हम लगा देते हैं। बारी है हीटर की, हीटर को हम लगाते हैं अपने पंप में। जब हम फिट करते हैं अपने हीटर को एक्वेरियम के अंदर, तो पहले हम निकाल लेते हैं अपना यहाँ से वायर।
हम फिट करते हैं अपने हीटर को इसके अंदर। तो ये हो गया गाइस हमारा हीटर फिट। तो गाइस हमारा सेटअप हो चुका है पूरा सेट। तो ये हमारा हीटर चालू हो गया है और ये हमने जो नए प्लांट्स अभी आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं और इसमें थोड़े से स्टोन डाले हुए हैं, और ये हमारा एक्वेरियम का जो फिल्टर है वो चल तो रहा है, लेकिन चल रहा है लेकिन वो बबल्स अभी छोड़ नहीं पा रहा है, ये देखिए। तो उसको हमें अभी साफ़ करना पड़ेगा फिर से लगता है निकाल के। गाइस ये है हमारी फिश, हम इनको अभी 10 मिनट फिल्टर होने देते हैं पानी, फिर उसके बाद फिश को हम एक्वेरियम में छोड़ देंगे। हमारा फिल्टर हो गया है बिल्कुल साफ, तो अब हम अपनी फिश को उसके अंदर डाल देते हैं। इससे ये दो फिश आ गई हमारी, रेड कैप और ये रेड वाली गोल्डन फिश मतलब। और ये हमारी सबसे बड़ी फिश है, सबसे पुरानी फिश हमारी यही है, बहुत छोटी थी अब बड़ी हो गई है ये। हमारा एक्वेरियम बिल्कुल सेट हो चुका है और हमने इसके अंदर फिश भी डाल दी है। तो देखिए ये हमारी फिश है और ये हमारी रेड कैप है। देखिए हमारा कितना बढ़िया लगने लगा है एक्वेरियम। अच्छा लग रहा, ये क्या है और ये क्या है? जेम्स है। खाओगी जेम्स? नहीं। खाए? और ये क्या है? फूल है। और ये क्या है बताओ? मछली है। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हमारा एक ये बताना आपको कैसा लगा और हम अगली वीडियो किस पिच के ऊपर बनाए, ठीक है।